घमंड का सिर नीचा। एक गांव में उज्जवल नाम का एक बढ़ई रहता था। गांव में कोई काम ही नहीं मिलता था, परिवार भी चलाना मुश्किल हो गया था। तब उज्जवल अपनी बीवी ममता से कहता है, ममता मैं गांव छोड़कर शहर में पैसे कमाने जाता हूँ। शहर में जैसे ही कुछ बंदोबस्त हो जाएगा मैं तुम्हें और चिंटू को बुला लूंगा। पर सुनिए, शहर जाने की कोई जरूरत नहीं, हम यहीं पर रहकर कुछ कर लेंगे। मैं भी आपकी सहायता करूंगी। उज्जवल ममता की बात ना सुनकर शहर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे घना जंगल मिलता है। जंगल से जाते वक्त उसे एक प्रसव पीड़ा से कराती हुई ऊंटनी दिखाई देती है। वो ऊंटनी एक बच्चे को जन्म देती है। उज्जवल को उस ऊंटनी पर बहुत दया आती है। बेचारी ऊंटनी और उसका बच्चा कितना कमजोर दिख रहे हैं। ऐसे में कोई जंगल का जानवर उसको शिकार बना देगा, दोनों मर जाएंगे। मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। उज्जवल ऐसा सोचकर शहर जाने का निर्णय त्याग कर देता है और उन दोनों को लेकर घर वापस आ जाता है। उज्जवल को वापस देखकर घर वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा किया जो आप घर वापस आ गए, पर आप ये ऊंटनी और बच्चा कहाँ से लेकर आए? उज्जवल ममता को सारी बात बताता है। फिर वो दोनों मिलकर ऊंटनी और उसके बच्चे का अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं। वो उनके लिए रोज जंगल से हरी पत्ती लेकर आता और उन दोनों को खिलाता। अच्छी देखभाल की वजह से वो ऊंटनी और उसका बच्चा दोनों ही अब स्वस्थ हो गए थे। फिर उज्जवल ऊंटनी का दूध निकालकर अपने बेटे को भी पिलाता और बचे हुए दूध को बेचने लगता, जिससे उसे पैसा मिलने लगा। तुम्हारी वजह से आज हमें कमाई का साधन मिला है ऊंटनी। अब तो तुम्हारा बच्चा किशु बड़ा भी हो गया है, इससे और भी मेरा काम आसान हो जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल ऊंटनी के बच्चे का इस्तेमाल माल को इधर से उधर ले जाने के लिए किया करता था। उज्जवल उस ऊंट के गले में एक घंटी बांध देता ताकि वो आसानी से ऊंट को ढूंढ सके और वो कहीं भी हो तो उसे पता चले। इस तरह से ऊंटनी का दूध बेचकर और माल ढोकर उज्जवल कुछ पैसे कमाने लगता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। फिर आए उन पैसों से उज्जवल और भी ऊंट और ऊंटनी खरीदता है। देखते ही देखते उसका व्यापार और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो गांव का एक धनवान आदमी बन जाता है। उज्जवल के पास बहुत सारे ऊंट और ऊंटनी होते हैं, पर उन सब में किशु खुद को महान समझता था। अरे मेरी वजह से उज्जवल का परिवार और व्यापार चल रहा है, ये सब मेरे ही बाद आया है, इसलिए मैं तुम सब में श्रेष्ठ हूँ। किशु घमंड में आ जाता है और वो सबसे अलग रहने लगता है। जब सारे ऊंट जंगल जाते तो वो सबसे दूर रहता और घर भी देर से आता। उस जंगल में खूंखार जानवर भी रहा करते थे। जंगली जानवरों का भय भी बहुत था। तब एक ऊंट ने किशु से कहा, अरे ओ किशु, जंगल में अकेले घूमना अच्छा नहीं है। तुम्हारे गले में घंटी बंधी हुई है जिसकी आवाज से जंगली जानवरों को पता चल जाएगा और इस वजह से तुम्हें खतरा हो सकता है। अरे जाओ जाओ, मैं नहीं डरता किसी जंगली जानवर से, बल्कि तुम लोग ही जलते हो मेरी इस घंटी से, क्योंकि तुम सब में से बस मेरे ही गले में घंटी बंधी है और तुम सब मेरी घंटी उतारने की कोशिश कर रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम तो तुम्हारा भला सोच रहे हैं। अगर तुम्हें हमारी बात माननी है तो मानो, वरना हम चलते हैं। सारे ऊंट किशु को समझाने की कोशिश करते हैं, उसे बार बार चेतावनी देते रहते हैं, लेकिन किशु उनकी बात नहीं सुनता। ऐसे ही एक दिन सारे ऊंट जंगल में हरी पत्तियां खाकर घर लौट रहे थे, पर किशु जंगल में ही कहीं गुम हो जाता है। तब एक ऊंट उससे कहता है, अरे किशु घर चलो, देखो अंधेरा भी हो गया है, इस वक्त जंगल में जंगली जानवर निकलते हैं। अरे मुझे नहीं आना तुम सबके साथ, जब मेरी मर्जी होगी तब आऊंगा घर। ऐसा कहकर किशु अकेले जंगल में घूमने निकलता है। उधर किशु जैसे ही चलता है उसकी घंटी बजने लगती है और वो जहाँ जहाँ जा रहा था घंटी की आवाज आने लगती है और उसकी घंटी की आवाज शेर सुन लेता है। लगता है कि कोई पालतू जानवर घूम रहा है। अरे वाह, आज तो मेरा पेट अच्छे से भरेगा। शेर ऐसा ही सोचकर घंटी की आवाज का पीछा करने लगता है। आवाज का पीछा करते करते वो एक हट्टे कट्टे ऊंट तक पहुंच जाता है, जिसका नाम था किशु, और वो किशु का शिकार कर लेता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंडी लोगों की हमेशा हार होती है। घमंड का सिर नीचा होता है। एक जंगल में खरगोश के बच्चे बाहर खेल रहे थे कि तभी वहां पर एक बड़ा सा बाज आता है और वो खरगोश के बच्चे को उठा ले जाता है।
तब खरगोश चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ता है। छोड़ो मेरे बच्चे को बाज, कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को, बाज मेरे बच्चे को छोड़ दो। ऐसे कहते हुए खरगोश बाज के पीछे पीछे दौड़ने लगता है, पर वो था एक बड़ा सा बाज। उसे थोड़ी ना खरगोश पर दया आने वाली थी। वो खरगोश के बच्चे को लेकर जंगल के ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है और वहीं पर अपना शिकार खा लेता है। तब वो सोचता है, अरे वाह, इस खरगोश को खाकर मन तृप्त हो गया। इस जंगल में तो बहुत ही स्वादिष्ट जानवर रहते हैं। आज से मैं तो इसी जंगल में रहूंगा। उधर खरगोश बाज के पीछे पीछे भागते हुए थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है कि तभी वहां पर एक हिरन आती है और खरगोश के रोने का कारण पूछती है। तब खरगोश हिरन को सारी बात बता देता है। हिरन भी चिंतित हो जाती है और वो कहती है, ये क्या कह रहे हो खरगोश, हमारे जंगल में बाज, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। हमें जल्द ही इसका कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो वो जंगल के छोटे छोटे जानवरों को मार देगा। हिरन और खरगोश दोनों भी हाथी के पास जाते हैं और उसे बाज के बारे में बता देते हैं। तब वो हाथी कहता है, क्या कह रहे हो, बाज ने खरगोश के बच्चे को उठा लिया, ये तो सच में चिंता का विषय है। पर तुम घबराओ मत, मैं उस बाज को अच्छा सबक सिखाऊंगा। हाथी की बात सुनकर वह दोनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं। हाथी उस बाज को जंगल में ढूंढता है, पर हाथी को वह बाज कहीं नहीं मिलता, क्योंकि बाज तो जंगल के ऊंचे पेड़ पे रहता था ना। पर बाज का छोटे जानवरों का शिकार करने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। जंगल के सारे छोटे जानवर डर गए थे, उनका तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। फिर से एक बार छोटे जानवर जैसे कि खरगोश, चूहा, गिलहरी हाथी के पास जाते हैं। तब खरगोश कहता है, हाथी भाई, आपने तो कहा था कि आप बाज को अच्छा सबक सिखाओगे, पर बाज का तो खौफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाथी भाई, हम छोटे जानवरों के लिए कुछ तो करो, नहीं तो इस जंगल के सारे छोटे जानवर नष्ट हो जाएंगे। हाथी के पास उस वक्त बोलने के लिए कुछ नहीं होता, पर वो जानवरों को समझा बुझा कर वापस भेज देता है। हाथी अपने छोटे जानवरों को बचाना तो चाहता था, पर किस तरह से बचाया जाए इसी सोच में वो डूबा रहता है कि तभी वहाँ पर बंदर आता है और कहता है, अरे भाई, इतना चिंतित क्यों दिख रहे हो, तुम जैसे बड़े जानवर को भला कौन सी चिंता खाए जा रही है। तब हाथी बंदर को बाज के बारे में बताता है और कहता है, मैं कब से उस बाज की तलाश कर रहा हूँ, अगर मुझे वो मिल जाता तो उसे मैं अपने बड़े बड़े पैरों के नीचे कुचल देता, पर पता नहीं वो कहाँ छुप कर बैठा है। अरे हाथी भाई, उसे अपने पैरों तले कुचलने से कुछ नहीं होगा, वो तो उड़कर छू मंतर हो जाएगा, उसे तो हमें अपने बुद्धि से मारना होगा। हाँ तो तू ही कोई उपाय ढूंढ ले, तू तो पेड़ों पर ही रहता है ना, तो उसका पता ढूंढ निकाल और उसे अच्छा सबक सिखा, ताकि जंगल के सारे छोटे जानवर बच जाए। हाथी के ऐसे कहते ही बंदर अपने काम पर लग जाता है। वो जंगल के हर ऊंचे पेड़ पर बाज को ढूंढने लगता है। आखिरकार बंदर को बाज मिल ही जाता है। फिर बंदर अपना प्लान बनाकर बाज से बात करने लगता है और कहता है, बाज, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम अब मुझे मिले हो। मैं तो जंगल के छोटे जानवरों के तरफ से सुझाव लेकर आया हूँ। वो बेचारे सारे जानवर तुमसे डर गए है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ तो बोलो, क्या सुझाव है? आज से तुम्हें हर एक छोटे जानवर को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस पेड़ के नीचे तुम्हें तुम्हारा खाना खुद ब खुद मिल जाएगा, जिससे कि बाकी सारे छोटे जानवर भी बिना डरे रह सकेंगे और तुम्हें शिकार पर जाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मुझे ये तुम्हारा सुझाव पसंद आया। कल से मैं शिकार ना करके पेड़ के नीचे ही आ जाया करूंगा, बस मेरा खाना तैयार रखना। बाज बंदर की बातों में आ जाता है। दूसरे दिन बंदर और बाकी के जानवर खाना लेकर बाज का इंतजार करते रहते हैं। तभी बाज पेड़ से नीचे उतरता है और अपने सामने रखे हुए खाने को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। बाज खुशी खुशी से वो खाना खा लेता है, लेकिन जैसे ही उसका खाना खत्म हो जाता है वैसे ही बाज बेहोश हो जाता है।
ये सब देखकर बाकी के जानवर चकित हो जाते हैं और बाज बेहोश कैसे हो गया ये पूछने लगते हैं। तब बंदर कहता है, अरे मैंने उसके खाने में बेहोशी की दवाई डाली थी, अब देखो मेरा कमाल। बंदर एक बड़ी सी रस्सी लाता है और उस रस्सी से बेहोश बाज को बांध देता है और उसी हालत में एक गुफा के अंदर उसे बंद कर देता है। इस तरह से जंगल से बाज का सफाया हो जाता है। सारे छोटे जानवर बंदर का धन्यवाद करते हैं और फिर से खुशी खुशी से जंगल में रहने लगते हैं।